फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको ब्लाउज के बैक में बहुत ही प्यारा सा और न्यू डिज़ाइन बताने जा रहे हैं, जो कि हमने यहाँ से शोल्डर लिया था वो 7 इंच का लिया था। हार होल भी हमने यहाँ से 7 इंच के लिए और यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं, जो कि हम गले की चौड़ाई रखने वाले और यहाँ से लंबाई रखेंगे हम इसकी 2.5 इंच और यहाँ से 4.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करके इसको मिला लेते हैं बराबर करके और इसको हम राउंड शेप दे देते हैं। इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इसकी हमने कटिंग कर ली है। हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग हो चुकी है। टुकड़ा लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने ये पेपर का टुकड़ा लिया है जिसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई 7.5 इंच ली है और लंबाई इसकी 10.5 है। तो यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क कर लें और 1 इंच यहाँ से हम इस तरीके से छोड़ना है। छोड़ने के बाद इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं। यहाँ से मैं इसको 7.5 इंच रखूँगी। इसमें हमारी ये एक्स्ट्रा बुकरम है। देखिए इसका मैं सेंटर कर लेती हूँ। इस तरीके से इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। एक एक इंच का मार्जिन रखना है इसमें। देखिए हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अभी हम कपड़ा कट कर लेते हैं। तरीके से मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देती हूँ।
देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आपको स्टिचिंग बता देते हैं, इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। इसकी सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से कट्स लगा लेते हैं। पूरे गले में हमने कट्स लगा लिए। अब हम इसको पलट लेते हैं। सीधा करने के बाद सीधी साइड से हम फिर से एक सिलाई लगा रहे हैं गले के ऊपर। देख सकते हैं सिलाई हमारी लग चुकी है। इसको हमें इस तरीके से बराबर करना है। अब बिल्कुल इसको बराबर कर लीजिए। देखिए हमारा बराबर हो चुका है। बराबर करने के बाद इस तरीके से हम इसके बीच सेंटर में निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से इस लाइन को डार्क कर लेते हैं चौक से। ये हमारा सेंटर हो गया। जो हमने गले को पेस्ट किया था इस पर स्टिच कर लेते। बीच में हम कट्स लगा लेते हैं। ताकि यहाँ पर झूल नहीं पड़े। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है
उसकी हम कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से सेंटर के ऊपर रखना है, यहाँ से ये इतना गैप रहेगा इसमें। और यहाँ से भी हमारा बिल्कुल बराबर है। स्टिच कर लिए, अब यहाँ बीच में कट्स लगा लेते हैं। देखिए कट हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पे हम इस तरीके से कट्स लगा रहे हैं। इस तरीके से आप पूरे में कट लगा लीजिए। देखिए सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे देखिए ये हमारी पंपम वाली लेस है, इसको हम इस तरीके से लगा रहे हैं। ये हमारा गोल्डन इस पर लेस आई हुई है, ये हमारी पंपम है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी प्लेट डाल लेती हूँ ताकि कॉर्नर बनाने में हमें दिक्कत नहीं आए।
यहाँ पर भी एक प्लेट डाल लेते हैं। हमारी एक्स्ट्रा थी उसको हमने कट कर लिया है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके लगाएंगे। लगा ली, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने दो कलर्स की डोरी ली है, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। इसको हम लगा लेते हैं, देखिए इस तरीके से हमने डोरी को बना लिया है और इसमें अटैच भी कर दिया है इस तरीके से। यहाँ पे हम प्लेट डाल लेते हैं। ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।